अस्सलाम वालेकुम। आज हम मराकन सूप बनाएंगे। मराकन सूप बनाने के लिए चिकन के क्यूब्स हमने लेने हैं 1/4 किलो, यानी कि किलो में से चौथा हिस्सा हमने लेना है। बोनलेस चिकन के हमने छोटे छोटे क्यूब कर लेने हैं। उबले हुए चने लेंगे 100 ग्राम। टमाटर हमने 4 लेने हैं, मीडियम साइज से थोड़े से छोटे हैं, इनको हमने चॉप कर लेना है। हरी प्याज हमने चॉप की हुई लेनी है 1 कप। अगर आप सफ़ेद प्याज डाल रहे हैं तो 1 प्याज ले लें। पास्ता हमने लेना है, इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े हमने काट लेने हैं। 100 ग्राम लेना है। सेलरी के हमने 2 स्टिक्स लेने हैं, इनके हमने इस तरह से छोटे छोटा काट लेना है सेलरी को। अंडा हमने 1 लेना है। अदरक चॉप किया हुआ लेना है 1 टीस्पून, या आप पेस्ट ले लें, या आपकी मर्ज़ी है। हरा धनिया कटा हुआ लेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर। पार्सली के हमने पत्ते लेने हैं, अगर फ्रेश हैं तो 1 टेबलस्पून ले लें, अगर ड्राई पत्ते हैं तो 1 टीस्पून। लेमन जूस लेंगे 2 टीस्पून। ऑलिव ऑयल लेंगे 2 से 3 टेबलस्पून के बराबर। मसालों में हमें चाहिए नमक 1 टीस्पून या 2 टेस्ट। पेपरिका पाउडर लेंगे 1/2 टीस्पून। काली मिर्च का पाउडर लेंगे 2 टीस्पून। सिनेमन पाउडर लेंगे, दालचीनी का पाउडर 1 टीस्पून। हल्दी पाउडर लेंगे 1/4 टीस्पून। अब हमने एक पैन को गर्म कर लेना है। इसके अंदर हमने ऑलिव ऑयल डालना है 2 टेबलस्पून के बराबर, या फिर आप मक्खन डाल सकते हैं। साथ ही हमने हरी प्याज डाल देनी है। प्याज आप सफ़ेद भी डाल सकते हैं। ये मैंने 1 कप लिए हैं बारीक चॉप किए हुए हरी प्याज। अगर आप सफ़ेद प्याज डाल रहे हैं तो फिर आप 1 प्याज डाल दें। साथ ही हमने चिकन के क्यूब डाल देने हैं 1/4 किलो, यानी कि किलो का चौथा हिस्सा हमने छोटे छोटे क्यूब कर लेने हैं। अब चिकन को और प्याज को हमने 2 से 3 मिनट तक फ्राई करना है मीडियम आग पर। ज़्यादा हमने इसको फ्राई नहीं करना, बस 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे। हरी प्याज और चिकन को हमने 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लिया है। अब हमने इसके अंदर अदरक डाल देना है। अदरक की पेस्ट डाल दें या चॉप करके डाल दें 1 टीस्पून के बराबर। पेपरिका पाउडर डालेंगे 1/2 टीस्पून। हल्दी पाउडर डालेंगे 1/4 टीस्पून, या फिर आप 1/2 टीस्पून डाल दें हल्दी पाउडर। सिनेमन पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून। काली मिर्च का पाउडर डालेंगे 2 टीस्पून। नमक हमने 1 टीस्पून लिया है। अभी हमने 1/2 से थोड़ा सा ज़्यादा डाल देना है, बाकी फिर बाद में नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कर लें। साथ ही हमने टमाटर डाल देने हैं। 4 टमाटर लिए हैं मीडियम साइज से छोटे, इनको हमने चॉप कर लेना है। टमाटर डालकर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब 2 मिनट तक हमने और पकाना है। इसी तरह से 2 मिनट तक हमने और पकने देना है, मिक्स करते रहना है साथ साथ। अब 2 मिनट हम और पकाएंगे। 2 मिनट तक हमने मसाले डालकर पका लिया है। अब हमने इसमें 5 कप पानी डाल देना है। पांच कप पानी डालकर इसको हमने मिक्स कर देना है। अभी हम वेट करेंगे पानी में उबाला आ जाए, तब तक हमने इसको पकने देना है। पानी में उबाल अब आ गया है। अब हमने इसमें पार्सली के पत्ते डाल देने हैं 1 टीस्पून। अगर आप फ्रेश डाल रहे हैं तो 1 टेबलस्पून के बराबर डाल दें, अगर ड्राई पत्ते हैं तो 1 टीस्पून। हरे धनिया के पत्ते डाल देंगे 1 टेबलस्पून के बराबर। साथ ही हमने सैलरी डाल देनी है। सैलरी हमने 2 स्टिक लिए हैं। सैलरी
सेलरी डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब हमने इसको ढांप देना है, ढांप कर पकाएंगे। आग को हमने मीडियम टू लो, थोड़ा सा हल्का कर देना है। हल्की आग पर हमने पकने देना है जब तक चिकन अच्छी तरह से गल जाए। सूप को हमने तकरीबन 15 मिनट तक पकाया है। अब चिकन बिल्कुल गल चुकी है। आपने चिकन को तोड़कर देखना है, चिकन बिल्कुल गल चुकी है। अब हमने इसमें पास्ता डाल देना है, साथ ही हमने कैन वाले चिक पीस डाल देने हैं, चने, उबले हुए चने। लेमन जूस डाल देंगे, 2 टीस्पून या आधा लेमन निचोड़ दें। अब हमने मिक्स कर देना है इन सारी चीज़ों को। अभी हमने ढांप कर पकाना है जब तक पास्ता अच्छी तरह से पक जाए, गल जाए। तब तक हमने इसको और पका लेना है, 7 से 8 मिनट तक हल्की आग पर पकने देना है। सूप को हमने 8 से 10 मिनट तक पका लिया है। अब पास्ता बिल्कुल गल चुका है और सूप भी थोड़ा सा थिक हो गया है। ये देखिए पास्ता बिल्कुल गल चुका है। अब हमने अंडा लेना है, अंडे को हमने अच्छी तरह से बीट कर लेना है। थोड़ा थोड़ा करके हमने अंडे को डालते जाना है, फिर साथ साथ इसको मिक्स करते जाएंगे। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा डालेंगे। अब हमने सूप को बस 1 मिनट तक पकाना है, फिर सूप हमारा रेडी हो जाएगा। एक मिनट तक सूप को हमने इसी तरह से पकने देना है। अंडा डालकर 1 मिनट तक हमने सूप को पका लिया है। अब सूप हमारा रेडी है, इसको आप टेस्ट कर लें, नमक टेस्ट कर लें, बेहतरीन जायका है। आग को हमने बंद कर देना है। अब हमने सूप को सर्व करना है, एक बॉल ले लें। अब मराठन सूप हमारा रेडी है। इस तरह से आप भी बनाइए, खुद भी खाइए, सबको खिलाइए। अल्लाह हाफिज़। अगर आपकी कोई फरमाइश है तो आप मेरे फेसबुक पर मैसेज करें या इस वीडियो पर कमेंट्स करें। मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो थम्स अप दें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।